सास्ती कॉलरी कोयला खदान कर्मचारी सहकारी पतसंस्था सास्ती में करोड़ों रुपयों की हेराफेरी मामले संदर्भ ली गई पत्र परिषद में मांग पूरी ना होने पर आंदोलन का इशारा दिया। सास्ती कॉलरी कोयला खदान कर्मचारी सहकारी पद संस्था में करोड़ों रुपयों की हेरा फेरी होने की जानकारी सामने आई है। व्यवस्थापक मनोज मिश्रा इन पर अपराध दर्ज होने के बाद भी कार्रवाई करने के सहकार विभाग और संस्था में नियुक्त हुए प्रशासन की ओर से टालमटोल किया जा रहा होकर व्यवस्थापक मनोज मिश्रा इन्हें निलंबित न करते छुट्टियों पर भेजा गया है। व्यवस्थापक को निलंबित कर उन पर विभागीय जाँच करना आवश्यक था। सहकार विभाग के राजूरा के सहायक निबंधक और अन्य राजूरा सहायक निबंधक कार्यालय के अधिकारी और संस्था के प्रशासक इनका मनोज मिश्रा इन पर बर्दस्त होने का सामने आया। खाते के वरिष्ठ अधिकारियों की ओर बार बार शिकायत करने पर भी खाते के अधिकारी दखल न लेने से उनका भी इसमें सहभाग होने का संदेह है। साथ ही उक्त संस्था के सन 2013-14 से 2020-21 के फेर लेखा परीक्षण होने पर सभी बात सामने आने की संभवता से इनकार नहीं किया जा सकता। तभी सभी सभासदों ने योग्य जांच कर कार्रवाई करने की मांग की गई होकर सैयद शहजाद अली ने भी जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है। कार्रवाई शुरू न होने पर सहकार विभाग के खिलाफ आंदोलन करने का मानस सभासदों ने पत्र परिषद में व्यक्त किया है। वहाँ पे 3-4 करोड़ का घोटाला हुआ है, लेकिन अभी प्रशासक नियुक्त हुआ है, लेकिन प्रशासक को ऑडिटर नियुक्त करने के लिए बहुत अभी तक उन्होंने ऑडिटर नियुक्त नहीं किया है। जब तक ऑडिटर नियुक्त नहीं करेंगे तब तक यानी वहाँ पे कितना घपला हुआ वो पता नहीं चलेगा बोले। और मेरी मांग है कि ऑडिटर नियुक्त किया जाए, अगर नहीं हुआ तो मैं आमरण उपोषण पर भी बैठ सकता हूँ बोला। जैसा हद से ज़्यादा वहाँ के कर्मचारी सभासदों को लोन दिया गया बोला, उसकी भरपाई कौन भरेगा, उनसे वसूली करना पड़ेगा अगर वसूली नहीं आई तो। और ये जो 3 कर्मचारी इन पर 24 लाख का लोन है, इन्होंने लोन कैसा लिया इसकी भी जांच होना चाहिए।